एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आज 26 जनवरी है और आज माँ शारदे की पूजा, तो हमारे संस्कृति में यह पहली बार हमारे जीवन में आया है। तो आज 26 जनवरी जैसे कि रिपब्लिक डे और माँ शारदे पूजा, तो सबसे पहले मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। तो आज नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा मंदिर आपको दिखाएंगे, जहाँ पे यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा जग भी हुआ था। तो आइए, हम जिसका आप नाम शायद जानते होंगे, बगही धाम। तो आइए मैं आपको पूरा मंदिर का परिदर्शन कराते हैं, प्रदर्शन कराते हैं। आइए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए भव्य गेट। यहाँ पे दो गेट है बगही धाम का, जो एक गेट ये है नया वाला और एक गेट उस बगल से वेस्ट साइड से, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ देखिए लोगों का भीड़, एक इधर से साइड है और इधर से साइड है। और अब आपको हम अंदर ले जाते हैं, अंदर का पूरा सीन दिखाते हैं आपको। देखिए इस मंदिर का सबसे बड़ा गेट हमारे यहाँ का, और हाई देखिए यहाँ से ही मेला शुरू हो गया। यहाँ अन्य प्रकार के जैसे मूढ़ी, चौप, जिलेबी, अन्य प्रकार की चीज़ें यहाँ पे मिलते हैं, जो हमारे यहाँ संस्कृति में हमारे यहाँ के ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आपको हम पूरा भव्य दर्शन कराएंगे। आप ये देख सकते हैं चारुवल, जिस तरह से ताजमहल में चारुवल उसका एक एक अति लगा था, उसी तरह से इसमें भी चारुवल से लगा हुआ है इस मंदिर में। और मंदिर का ये देखिए बैक साइड का ये पोर्शन है, हम आपको आगे का भी दिखाते हैं। और यहाँ से देखिए इस समय इस तरह का सामान भी यहाँ पे मिलता है भाई। देखिए यहाँ पे पिपली उपली और जो माला उला, जो हर चीज़ के यहाँ फूल उल हर चीज़ मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अंगूठी है, ये देखिए यहाँ पे हर चीज़ मिलता है यहाँ पे। और हम आपको दिखाएंगे इससे आगे का। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इस साइड में भी सबसे बड़ा जो 108 रूम है, उसमें जो आपको हम दिखाते हैं उसमें 108 रूम है, जो हम आपको दिखाएंगे इसके बाद। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे थे इस मंदिर की चारों बगल से, तो इस बगल का हम दिखाते हैं आपको। देखिए एक साइड इस बगल का इसका स्तूप है, जिस तरह ताजमहल में था, और वो मेन बीच पोर्शन है। और आगे के दिखाते हैं, यहाँ पे सामानों से भरा पूरा है। और सबसे बड़ी बात कह दूँ, जिस तरह यहाँ 2017 में 17 फरवरी को यहाँ पे सबसे भी भारत का सबसे बड़ा जग हुआ था, उसी तरह का यहाँ पर भी फिर से 17 फरवरी इसी 17 फरवरी को इस महीना के बाद फिर 2500 नाम जप के द्वारा 1108 कीर्तन कुंजों में श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ, जहाँ पे हमारे संत आए हुए थे श्री रामाज्ञा दास जी महाराज स्वर्गीय, जो अभी शायद उसका निधन हो चुका है। और एक और महंत जी है वो भी है, तो यहाँ पे और छतरदास बाबा के नाम से यहाँ पे जग किया जाता है। तो इस देख सकते हैं 17 फरवरी के फिर से जग होने वाला है इस बार। तो आप इस साइड भी देख सकते हैं, इस साइड मंदिर का गेट हुआ, लेकिन इस साइड यहाँ पे और इस बगल जहाँ पे वाटर यानी पानी लेकर लोग संत लोग अपना या जो दर्शक लोग हैं वो जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। और भाई देखिए, तो इस समय आइए आपको हम दिखाते हैं, तो इधर आइए आपको हम सीताकुंड दिखाते हैं। ये सीताकुंड के नाम से यहाँ पे पानी कभी घटता नहीं है, देख सकते हैं आप दर्शकों द्वारा कि ये कितना माने पानी ये लोग ले जाकर यहाँ से भोले बाबा के पास जाएंगे, वो अपना जल चढ़ाएंगे। इस साइड देख लीजिए, और बहुत ही दूर में ये है। ठीक भाई, देखिए अब इससे आगे क्या आपको सीन हम दिखाते हैं। भाई देखिए लोगों का भीड़ यहाँ पे, ये देखिए मंदिर के आगे वाले साइड में बिक रहा है ये सब। और ये हो गया मंदिर का मेन गेट, जहाँ पे मंदिर में लोग जाते हैं। यहाँ से देखिए मंदिर का ये मेन गेट हो गया, इसमें लोग जाते हैं मंदिर में। और इस साइड देखिए, हम दो गेट का बात किए थे, तो एक गेट उस तरफ से देखिए जो हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर भी जाकर। लेकिन फिलहाल अभी हम मंदिर चलेंगे, और इसके साइड में चारों बगल से मेला लगा है, लोगों का भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया मंदिर का मेन गेट, इसका देखिए इसका ग्राउंड जो है इस तरह का कुछ है। तो आप देख सकते हो ये है मंदिर का मेन गेट। और यहाँ पे संतों द्वारा चंदन किए, तो ये देखिए मंदिर का फर्स्ट सीढ़ी है जिस पे चढ़ते हैं लोग, वहाँ पे भी भोले बाबा का स्थान है और अंदर हम लोग जाते हैं। और इसके साइड से देख लीजिए ये हुआ, एक इधर से स्टूप है इसका। तो सबसे पहले हम लोग इन करते माने अंदर जाते हैं, तीन गेट, एक पार्ट वो है और एक पार्ट तो मेन पार्ट इससे, तो हम पहले इससे जाएंगे। और ये है दान, तो वही देखिए वो पहला हो गया जहाँ पे घंटी बजाया जाता है, तो ये घंटी बज गया। और हम आपको सीधा अंदर ले जाते हैं, फिर इसके चारों बगल दिखाएं। तो ये हो गया मेन गेट जहाँ पे भोले बाबा लंग जाते हैं अंदर सभी लोग भाई। और यहाँ देखिए वहाँ पे भोले बाबा का है मंदिर, और ये देखिए इसका चारों कॉर्नर ये हो गया इस तरह का अंदर का सीन। और ये देखिए कितना फील्ड भी यहाँ पे है और जो जगह की तुलना, और देखिए यहाँ पे और ये देखिए लोग अपना दिन पटक पटक कर भगवान का मनोकामना पूरा कर रहे हैं। देख सकते हैं लोगों में दर्शकों में इतना ज़्यादा भीड़, भगवान के चाहने वाला आज कम नहीं हुए भोले बाबा को। हमारे हिंदुओं में हमारे परंपरा और संस्कृति में ये सब इतना भीड़
मंदिर का जो मेन स्थान हुए यहाँ आप देख सकते भली भांति है, लोगों की चाह नहीं टूटते हैं भगवान के साथ। अब हम आपको इसमें भी चार गेट, एक गेट वो हो गया, एक गेट वो, तीसरा गेट ये और चौथा गेट, और अब इस गेट से हम लोग निकलेंगे बाहर और दिखाएंगे इसके चारों ओर देवी देवता है। और इसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखिए ये गौ महाराज हो गए, और देखिए यहाँ से चार है, एक पहला तो वो है, वो कौन सा भगवान है उसको हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये हो गया लक्ष्मी नारायण जी का, इसमें लक्ष्मी नारायण जी का प्रतिबिंब है, देखिए यहाँ पर भी जल चढ़ाया जाता है चारों ओर से। और देखिए दूसरा एक वहाँ पे है जहाँ पे जल चढ़ाया जाता है, और देखिए इतना ज़्यादा फील्ड है, एक एक दो एकड़ में ये मंदिर केवल है, और एक वहाँ से जल चढ़ाया जाता है। लोगों की चाह भगवान के साथ हमेशा बना रहता है। देखिए यहाँ पे भक्त यहाँ पे टूटते नहीं है, महादेव को चाहने वाले यहाँ पे लाखों हैं। और एक ये मंदिर हो गया जहाँ सूर्य नारायण भगवान जी का पूजा किया जाता है। और लास्ट देखिए चौथा वो हो गया, भक्त अलग अलग रूप में अपने भगवान से जो मांगना होता है वो मांगता है। और ये लास्ट हो गया कार्तिकीय गणेश जी का। और हम आपको इसी गेट से बाहर भी हम लोग निकलते, लेकिन हालांकि चार दो बगल से इसका मेन गेट हुआ निकलने वाला। आइए देखिए आप, अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, यहाँ देखिए भक्त कितना ज़्यादा भीड़ लगे हुए हैं। और हम आपको अब सेकेंड गेट दिखाएंगे बाहर आए, तो ये हुआ बाहर का सीन, बाहर से अंदर जाने का ये मेन गेट हो गया जहाँ से भक्त जाते हैं वहाँ पे पूजा करने के। लेकिन सेकेंड गेट इस बगल से भी आता है, इस होके भी सेकेंड गेट से आप आ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सेकेंड गेट की ओर से भी यहाँ पे हर चीज़ मिलता है, जैसे कि यहाँ पे जो मिठाई वगैरह वगैरह, जो जलेबियाँ हो गए, और जो यहाँ पे देख सकते हैं सामान जो वस्तुओं के लिए खरीदा जाता है। और इस साइड भी देख सकते हैं खुले में भी इतना ज़्यादा फील। ये सेकेंड गेट का हम बात कर, वो जो था वो फर्स्ट गेट था और ये सेकेंड गेट है। और इस साइड से भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहता है, यहाँ देखिए हर चीज़ मिलता है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे भी भारत का सबसे बड़ा जग हुआ था, और फिलहाल फिर से 17 फरवरी को यहाँ पे जग होने वाला है। और ये हो गया सेकेंड गेट, आप देख सकते हो ये हो गया सेकेंड गेट, वो था फर्स्ट गेट। सेकेंड गेट से हालांकि उतना भीड़ नहीं रहता है जितना कि फर्स्ट गेट से, लेकिन इससे भी भीड़ कम नहीं होता। ये देखिए सेकेंड गेट, और सेकेंड गेट के पार्ट में जो आपका एक पेड़ है पीपल का, वो भी है सेकेंड गेट में, भाई देखिए आप। तो ये सेकेंड गेट का बाहर से नजारा है जहाँ पे लोग अंदर जाते, तो सेकेंड गेट से इस होके इन करते हैं लोग। ये सेकेंड गेट से कुछ इस तरह का नज़ारा है भगवान शिव का, जो जहाँ पे भगवान शिव उसमें है। और ये मंदिर का बाहर से देखिए ये नज़ारा चारों ओर से। और जैसे कि मंदिर दो पार्ट में, पार्ट वन वो था जहाँ पे महादेव जी रहते हैं, जहाँ पे पूजा होता है, जल चढ़ाया जाता है। अब मैं आपको पार्ट टू दिखाऊंगा, जिस बगल से आप देख सकते हैं, हालांकि ये पुराना है, ये पार्ट टू पुराना है। यहाँ पे जग हुआ था इस बगल से, और यहाँ पे जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन यहाँ पे छतरदास जो बाबा है उसका यहाँ पे फोटो है, उसका क्लिप है, और तो हम आपको दिखाएंगे। और ये अभी फिलहाल नया बना है, ये जो है ये नया बना है। यहाँ पे भक्त आते हैं और यहाँ पे भोजन भी कराया जाता है प्रसाद के रूप में, और जो माने यहाँ पे प्रसार होता है, प्रचार होता है, उसमें महंत जी लोग आते हैं। तो ये देखिए पार्ट टू का सीन, इस बगल छतरदास बाबा। हालांकि ये देखिए 108 इसमें रूम बनाया गया है, 108 है जो मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाकर, हो सके तो शायद अगर अलाउ हुआ तो। और ये देखिए पार्ट टू में, यहाँ पे देखिए जय सीताराम, और देखिए ये छतरदास बाबा का जो प्रतिबिंब है पूरा हूबहू छतरदास बाबा रियल के तरह इसमें लगते हैं, इसी के नाम से जग किया जाता है। तो ये देखिए आपको हम दिखाते हैं जूम करके, ये देखिए छतरदास बाबा का सीन, पूरा हूबहू अपने रूप में इसमें है। और इस बार फिर से 17 फरवरी से जग होने वाला है यहाँ पे, जिस तरह से हुआ था भारत लेवल पे, लेकिन उतना भारत नहीं होंगे, लेकिन उसी लेवल का कुछ कम इसमें फिर से जग होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी आइए। और ये बहुत बड़ा जग है, हालांकि जग के लिए ये बन रहा है, देखिए अभी पहले इस टाइप में नहीं था। और मैं आपको सबसे बड़ा यहाँ पे दिखाऊंगा कि छतरदास बाबा इसी रूम में रहते थे, यही वो जगह है जहाँ पे छतरदास बाबा रहते थे। और जो भी धूप ठंडी कोई भी इतना ठंडी मौसम थे वो कुछ नहीं पहनते थे, इसी में रहते थे, वही वो कुटिया है जहाँ छतरदास बाबा रहते थे, वही वो रूम है। और ये सोचनीय है कि आज
हम लोग के साथ नहीं रह पाए क्योंकि वो बहुत पहले का बात था और इसी में रहते थे। वही वो कुटिया है, रूम है, घर है जहाँ छतरदास बाबा रहते थे। कोई भी मौसम हो, किसी भी प्रकार का, वो इसी में रहते थे। और इससे आगे का आपको सीन दिखाएंगे, अभी जॉग होने वाला है तो पूरी तरह से ये बंद रहता है। पहले ये कुछ और कलर का था लेकिन इस बार रंग कलर किया गया है इसका, और पूरा व्हाइट कलर किया गया था। और इसमें आपको बता दूँ कि जब श्री रामचंद्र जी के नाम से यहाँ पे बनाया गया है, और इसमें चार द्वार है जो चारों भाई के नाम से बनाया, जैसे राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, भरत शत्रुघ्न, इस तरह के द्वार बनाया गया है। और पहला द्वार तो ये है लेकिन अभी कलर के कारण ये मिट चुका है। और देखिए कितना फील्ड है, रहने का भी यहाँ पे व्यवस्था है। और अभी ये देखिए 108 रूम पूरा है, इसमें हम पहले जा चुके थे। और देखिए ये चारों वाल फील्ड है पूरा, ये महंत माने पूरा ये मठ के नाम से ही ज़मीन है। और अभी ये 108 रूम जो है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गया, 17 फरवरी से फिर से जग होगा। आइए, यहाँ लाखों का भीड़ आता है, भक्त यहाँ पे अटूट आते हैं, इतना ज़्यादा भक्त आते क्या कहूँ आपको। और देखिए यहाँ रहने हर चीज़ का व्यवस्था ये, और बाहर से जो आप वो देख रहे हो पेड़ पौधा, वो पूरा इसी मठ के नाम से और इसी मठ में कहीं ना कहीं। और ये गेट नंबर 2 हो गया, जो हम बताए थे रामायण में चारों भाई के नाम से ये गेट बनाया गया है। और ये हो गया बैक पोर्शन माने पीछे वाला पार्ट हो गया ये, और इस बगल भी बन रहा है। और वो जो आप देख रहे हो उसमें गाय है, माने बहुत सारा गाय है। ये सब देखिए वहाँ पे कुछ, यहाँ पे जग होने वाला है जिसके लिए झरना उड़ना तैयार हो रहा है। और इसमें हम आपको दिखाते हैं कुछ, हम आपको बताए थे कि इसमें गाय है। और देखिए यहाँ पे हमारे गौ माता जी इसमें है, ये देखिए। और हम आगे के भी आपको दिखाते हैं, इसमें गौ माता है। और ये देखिए बैक से इस तरह से कुछ नज़ारा है इसका। और हम आपको चारों बल का दिखाएं, ये पूरा 108 रूम है। और सुना जाता है कि इस बीच में कहीं ना कहीं नाग देवता है, और रियल में भी है, जो वो बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं उसमें। देखिए कुछ अलग साइड से ये है, और वो सत्संग के लिए बनाया गया है, जहाँ पे सत्संग होता है, महंत लोग आते हैं उसके लिए। ये देखिए आगे का सीन, ये आप देख सकते हो, ये भोजनालय हो गए यहाँ का। और इसमें सत्संग के समय सत्संग भी होता है, और ये भोजनालय है। तो ये देखिए कितना बड़ा भोजनालय है ये, और यहाँ पे हर समय प्रसाद वितरण भी होता है भोजन के रूप में। तो जैसा कि मैंने आपको ये पूरा बगी धाम के बारे में बताया, और यहाँ पे फिर से जग होने वाला था, ये सब दिखाए, तो आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि ये नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा मंदिर था, आपको कैसा लगा। हालांकि एक और की निशानी मेट है जिसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और एक राष्ट्र हिंदू का आप मांग करें तो एक राष्ट्र हिंदू के लिए एकता जगाइए, और हिंदू मुस्लिम के बातों पर आप मत रहिए। तो ये आप अपना वीडियो देखें और अपना राय बताएं। जय हिंद, जय भारत।